गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ए से लेके जेड तक, स्मॉल लेटर्स, बिग लेटर्स, मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड द स्मॉल लेटर्स। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट द अल्फाबेट्स। सो फर्स्टली वी विल रिपीट द अल्फाबेट्स। येस, यू हैव टू यूज द सेम पैटर्न लाइक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So all of you know the alphabets and you know how to write it also, like small letters kaise hote hain and big letters kaise hote hain. So we are going to see some of the things related to the alphabets. So let's move on to the first one. What they say? Tell a word that begins with the following letters. Means you have to see the letters here. You can see all the letters are small, small है, देखो capital letter एक भी नहीं है. Okay, no problem. What they say? ये letters से start होने वाला कोई भी एक word आपको लिखना है. You have to write one word starting with the given letter. So first is, you can see it is T. T for what? You must be knowing. Yes, मैंने आपको बताया था T for tap. You can write tap or you can write top also and you can write toys. Yes, मैंने तीन वर्ड बनाए, एक पूछा था तीन बनाए, आपको और भी बना सकते हो, ठीक है. Now see the next one, S. As for her, what is there? Ship, मैंने बताया था आपको. Yes, ship. And then as for what? जल्दी जल्दी सोचो. As for shop, जिसमें आप लोग कुछ खरीदने के लिए जाते हो ना बच्चों, वो वाला हो जाएगा, ठीक है. And as for sun, yes, जिसे रोज सुबह आप देखते हो. As for sun. Then we'll move on to the next letter, that is D. D for, yes, I remember the donkey. Donkey को आपने देखा होगा, है ना? Then D for doll, गुड़िया, जिसे आपके पास घर पे रहेगी. Then D for what? Yes, remember the things. What you can say? D for डॉक्टर, जिसके पास आप बीमार होते थे जाते हो ना, वही. तो यू हैव टू मेक अ वर्ड, और भी वर्ड्स बना सकते हो. देन वी विल गो टू बी. बी फॉर, यस, बॉल, हम लोग जिससे खेलते हैं. देन बी फॉर व्हाट? बैट, जिससे हम लोग खेलते हैं, बैट बॉल जिससे खेलते हैं ना, वही. और क्या होता है? बी फॉर बैट, यस, आपको पता होगा. बी फॉर और क्या बना सकते हैं? बोर्ड, जिसपे मैं लिख रही हूँ अभी, यस, बोर्ड होता है. देन वी विल मूव ऑन टू सी. सी फॉर कैट, सी फॉर काउ, एंड सी फॉर कप. एंड यू कैन राइट मेनी मोर, यू नो, जितना आपको पता है उससे ज्यादा लिखो, ओके. Then W, last one. Yes, W से क्या होता है याद करो सब लोग. W for, yes, W for which you can write. And then W for work, काम करना. Then W for watch, जो हाथ में आप लोग wrist watch पहनते हो ना, जिसमें घड़ी, जिसको हम लोग देखते हैं, That will be W, right? तो पहले से आपको ध्यान में रहा है, जो लेटर दिया है उसी से आपको वर्ड्स बनाने हैं, जितने वर्ड बना सकते, ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर.
इसीलिए मैंने पहले पूरी एबीसीडी बोली थी कि प्रॉपर ऑर्डर में हमें इसे लगाना है। देखो यहाँ पे दिया है BKWA, ये ऑर्डर में नहीं है, लाइन में नहीं है, तो हम लोग पहले से एबीसीडी बोलेंगे। तो सबसे पहले ए, तो ए है ना यहाँ पे, सो वी विल राइट ए। देन बी, या बी इज ऑल्सो देयर, राइट बी। सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अरे के है यहाँ पे, सो के। फिर आपको पूरा एबीसीडी पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन सा रह गया है, एक डब्ल्यू, सो वी राइट ये डब्ल्यू। तो ये एक ऑर्डर में, मतलब कि वो अल्फाबेटिकली करेक्ट हो जाएगा, लाइन से होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। फॉर द कैपिटल लेटर्स यू कैन सी हियर, ए इज नॉट देयर, बी, सी, डी, ई, यस ई है यहाँ पे, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यस एस भी है, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यहाँ सारा अल्फाबेट्स हो गए। देखिए पांच इधर है, पांच इधर है, सो यू हैव टू राइट इट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट हो या स्मॉल अल्फाबेट हो। नाउ वी विल मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स दिए हैं, यहाँ पे स्मॉल दिए हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई। फर्स्टली यू कैन सी हियर ई, स्मॉल ई इज देयर, तो कैपिटल लेटर ई का है, यस इट इज हियर, so you have to match it out, E. Then N, and where is N? Yes, you can find out here, it is N. Then S, S is similar, you can see it is small and it is a bigger one. Then W, it's like same, you can see here, it will match here, yes, W. Then F, you can match like F, F भी आपको same दिखाई देगा, small और big में, okay? Then D, where is the D? Yes, it is D, D for doll. H, it's similar here only, सामने सामने ही है, very good. Then I, small I and capital I, you have to match here. Then P, वो भी आपको similar दिखाई देगा एक दूसरे के साथ. Then M, yes, you can match like this. I have matched all the small letters with the capital letters. आपको सारे small letters हो, capital letters ही क्या करना है? Match करना है. Now, we will move on to the third one. You can see here. Match the following letters of alphabets that begin with the given picture. अभी यहाँ पे alphabet दिए हैं, जैसे मैंने बोला ना, हम लोग words बना रहे हैं, तो यहाँ पे picture दिए हैं, तो we have to match the letters with the picture. We have to match the letters with the picture. So you can see here, firstly we will see the picture. Here, what is this? Yes, it is a fish. Very good. Then, ball. Here it is pencil. Then, hat. And this is cup. So it will be easier for you to find out and match it. You can see P for what? You will easily find out it is a pencil. So you have to match it. Right? After that H is there. Where is H? H for what? Yes, hat. So we are going to match it. Okay. Then C. C for what? C for fish? No, C for cup. So we are going to match C with the cup. Then B for what? Yes, easily find out. Ball. And F for fish. So you have to draw it in your CW book and match it like this only, okay? Now we will move on to the last one. Circle the given letters in the following words. We have to circle the given letters given in the words. यहाँ पे आपको एक लेटर दिया गया है
और यहाँ पे आपको तीन वर्ड दिए हैं। हम लोग को क्या करना है, ये लेटर जो है ये जो वर्ड्स के अंदर है उसको सर्कल करना है। सी व्हाट इज दिस, इट इज पी राइट। सो वेयर एवर द पी इज देयर यू हैव टू सर्कल द पी। सी पी जहां जहां है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सर्कल करेंगे। डिड यू अंडरस्टूड, जो लेटर दिया है वो वर्ड्स में जहां जहां दिया है वहां पे हमें सर्कल करना है। नाउ एच, अब ये एच जहां जहां दिख रहा है देखो यहाँ पे एच है, एच एंड एच। देन सी, सी भी आपको दिखाई दे रहा है, सी सी हियर सी एंड वन मोर सी इज ऑल्सो देयर, वेरी गुड। देन बी, बी से आप लोग देखोगे यहाँ पे एक बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ पे भी बी है, ओके। देन एफ, एफ एफ एफ। सो यू हैव टू राइट इट एंड सर्कल इट। मीन्स लाइक इफ दे हैव गिवन द सेम लेटर फॉर 3 to 5 times ऑल्सो यू हैव टू सर्कल इट। अगर एक ही लाइन में अगर 4-5 बार भी अगर वही सेम लेटर दिया है तो आपको उसको सर्कल करते रहना है। सो यू हैव टू सी ऑल दिस एक्सरसाइजेस वेरी वेल बिकॉज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट आउट। सो चिल्ड्रंस लर्न दिस प्रॉपरली एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फ्रेम द वर्ड्स। यहाँ पे हम मैंने सिर्फ अल्फाबेट रिलेटेड एक्सरसाइजेस बताई है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि वर्ड्स बनेंगे कैसे। सो दिस मच ओनली फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच चिल्ड्रंस।